गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा तो बेटा रैशनल नंबर में कुछ बच्चों के डाउट्स आए हैं कि सर किसी रैशनल नंबर को एक नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आइए वो हम समझते हैं कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेटा आप जानते हो कि जो रैशनल नंबर होता है उसमें दो सच कंडीशंस हमारे पास होती हैं। पहली कंडीशन ये कि जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, ठीक है, इसको हम एक तरह से प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। कैसे सर? जैसे 1/2, 2/3 इस सच कंडीशंस में आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है, ठीक है। कंडीशन नंबर टू ये कि व्हेन न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, जस्ट लाइक अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे 3/2, 5/2, 7/4, ठीक है। तो आइए अब हम समझते हैं पहली कंडीशन, हम दोनों कंडीशन समझेंगे, फोकस करते हैं पहली कंडीशन पे, ठीक है। तो बेटा सबसे पहला स्टेप ये है कि मैं एक नंबर लाइन बनाने वाला हूँ जस्ट लाइक दिस, ठीक है, ये मेरा सेंटर, ठीक है। अब बेटा इसमें समझने वाली बात क्या है कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो बेटा डिनोमिनेटर हमें ये बताएगा, और हाँ एक हम बात समझने वाली भूल गए कि जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो बेटा उसकी जो नंबर जो वो रैशनल नंबर होगा वो हमेशा लाई करेगा दो नंबर्स के बीच में, विच इज़ 0 and 1, ऑलवेज लाई करेगा 0 and 1 के बीच में जब न्यूमरेटर लेस होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। चलिए सर आगे चलते हैं। तो जब हमें ये मालूम है कि ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो हम एक गैप बना लेते हैं 0 और 1 के बीच में, ये 1 हो गया, ठीक है, इधर हो गया हमारा -1। चलो अब बेटा समझने वाली बात दो बातें हैं कि जो डिनोमिनेटर है, जो 3/5 में जो डिनोमिनेटर है वो बताता है कि 0 and 1 के बीच में कितने नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स बनेंगे, ठीक। एक बार फिर से, जो डिनोमिनेटर है वो बताएगा कि 0 and 1 के बीच में कितने नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स बनेंगे। जैसे यहाँ पे डिजिट है 5, दैट मीन्स 5 इक्वल पार्ट्स बनेंगे, तो मैं यहाँ पे 5 इक्वल पार्ट्स बनाने के लिए कितने यहाँ पे डंडे बनाऊँगा, उससे एक कम, मीन्स 4 डंडे, 1, 2, 3, यहाँ पे ये हो गया था 4, 1, 2, 3, 4, 5, ये मेरा 1 है। तो मैंने इक्वल कितने डंडे बनाए, 4 डंडे, जिससे मुझे बीच में गैप कितना मिल गया, इक्वल गैप मिल गया 1, 2, 3, 4 and 5, क्लियर है, ठीक है सर। ये तो हुआ डिनोमिनेटर का काम। अब न्यूमरेटर हमें क्या बताएगा, न्यूमरेटर हमें यह बताएगा कि नंबर ऑफ पार्ट्स अवे फ्रॉम द नंबर 0, कि 0 से वो नंबर कितने पार्ट्स दूर है। जो न्यूमरेटर है वो हमें ये बताएगा कि वो नंबर 0 से स्टार्टिंग से कितना दूर है। तो यहाँ पे नंबर है 3, मीन्स 3 पार्ट्स दूर है वो। 3 पार्ट्स क्या मतलब सर, 1, 2 and 3, मीन्स ये वो रिक्वायर्ड नंबर है जहाँ पे ये रिक्वायर्ड रैशनल नंबर लाए करेगा, ये बात, ठीक है। तो एक बार फिर से कि जब भी न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो उस कंडीशन में जो रैशनल नंबर होगा वो ऑलवेज कहाँ लाया करेगा, 0 and 1 के बीच में, ठीक।
जिसमें डिनोमिनेटर हमें ये बताएगा कि उन 0 और 1 के बीच में कितने नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स हैं। जैसे यहाँ पे 5 है, दैट मीन्स 5 इक्वल पार्ट्स होंगे। अब 5 इक्वल पार्ट्स मतलब बनाने का ये नहीं कि आप 5 डंडे बना दो, उस जितने नंबर ऑफ पार्ट्स वहाँ पे लिखे होंगे उससे हमें एक कम वहाँ पे इक्वल वहाँ पे डंडे बनाने पड़ेंगे, ठीक है, तब मैं ये बता पाऊँगा कि उसके नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कितने हैं, 5। ठीक है सर, अब न्यूमिरेटर इसमें हमें क्या बताएगा, न्यूमिरेटर हमें ये बताएगा कि वो नंबर 0 से कितना दूर है, वो नंबर 0 से कितने पार्ट्स दूर है। जैसे यहाँ पे 3 है, इट मीन्स वो नंबर 0 से कितने पार्ट्स दूर होगा, 3 पार्ट्स दूर होगा, 1, 2 एंड 3। तो वो थर्ड डॉट पे, वो थर्ड मार्क पे वो नंबर क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस सच कंडीशन से हम इस टाइप के रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सर दूसरे रैशनल नंबर का क्या होगा जब न्यूमिरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो आइए सीखते हैं हम। तो बेटा अब है हमारा सेकंड पार्ट कि जब न्यूमिरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। मैंने एक एग्जांपल ले लिया रैंडमली 7/5, ठीक है। तो सर क्या इसमें भी फर्स्ट वाली कंडीशन फॉलो होगी, होगी, लेकिन हमें कुछ इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। वो क्या सर, सीखते हैं कि पहले मैं इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करूँगा किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में सबको चेंज करना आता है, 5 1 5 2, ठीक है। तो ये कितना चेंज हो गया, ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन में चेंज, ठीक है। अब ये जो हमारे पास नंबर आया है, तो बेटा ये जो हमारे पास नंबर आया है, इस नंबर को हमें रिप्रेजेंट, इसी हेल्प से हमें ये नंबर रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। कैसे, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं, ये हो गया आपका ओरिजिन, ठीक है। अब देखो बेटा, जो इसमें ये जो नंबर है 1, ये जो नंबर है, ये नंबर हमें बताएगा कि वो रेशनल नंबर किन दो नंबरों के बीच में लाए करेगा। मींस यहाँ पे 1 है, डेट मीन्स ये 0 और 1 के बीच में लाए नहीं करेगा, उसके एक ज़्यादा आगे वाले रैशनल नंबर के, कितने, एक ज़्यादा। थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे 1 है तो वो उससे एक ज़्यादा सक्सेसिव नंबर कौन सा होगा, कंसेक्यूटिव नंबर 2, तो वो एक ज़्यादा वाले आगे रैशनल नंबर के बीच में, इन दो के बीच में ये रिक्वायर्ड रैशनल नंबर लाए करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बना दिया 1, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ 2, ठीक है। एक बार फिर से, जो नंबर यहाँ पे होगा तो वो रैशनल नंबर, उस ये जो रैशनल नंबर होगा इसके एक ज़्यादा, मींस कंसेक्यूटिव नंबर, मींस 1 और 2 के बीच में ये लाए करेगा, ठीक है। 1 और 2 हमने बना लिया। अब वही हमारे पास क्या बच गया, 2/5। इसे 2/5 का अब हमें मालूम है कैसे होता है, कि जो नंबर डिनोमिनेटर में होता है वो बताएगा इसमें, क्योंकि 2/5 कौन सी कंडीशन बन गई, जब न्यूमिरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो 5 हमें क्या बताएगा, इसके बीच में नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। तो हम इसमें 4 डंडे बना लेंगे सर, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। ये मैंने 4 डंडे बना ली तो मुझे इक्वल 5 पार्ट्स मिल गए, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है बेटा, ठीक है सर। अब 2 हमें क्या बताएगा सर, 2 हमें बताएगा कि वो नंबर 0 से नहीं, 1 से कितने पार्ट्स दूर है, 1 से
कितने पार्ट्स दूर है, तो कितने पार्ट्स दूर है, टू मीन्स वन एंड टू। इस रिक्वायर्ड पॉइंट पे ये 7/5 जो रैशनल नंबर है वो क्या होगा, लाई होगा। ठीक है, तो बेटा इस रिक्वायर्ड स्टेप से मैंने ये पता करा कि हम किसी दो रैशनल नंबर को, दो टाइप के रैशनल नंबर्स को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से और जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए तो आप एक बार फिर से मेरी ये वीडियोस, इस लेक्चर को देखें, जिससे आपको अपने सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो गुड लक ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।